तो जल्द ही भारत अपने भारतीय रॉकेट के ऊपर व्योमानॉट्स को लॉन्च करने वाला है स्पेस में, जिस मिशन का नाम आपने सुना ही होगा, गगनयान। अगले 5 सालों के अंदर होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और तभी हमारे व्योमानॉट्स को लगेगा एक स्पेस सूट, और वो स्पेस सूट का लेटेस्ट इटरेशन ये है आपके सामने। इस स्पेस सूट का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ये पार्ट्स जो नॉब्स और ये सब दिख रहा है आपको स्पेस सूट के ऊपर, वो क्या करते हैं, क्या फंक्शन है उनका, सब जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले एक क्लियर कर दूं, ये इसरो का इन हाउस बिल्ट सूट नहीं होगा, ये हम रशिया का जो सोकोल सूट है वो प्रोक्योर करने वाले हैं। अब रुको नहीं, कमेंट में नहीं जाना, रुको कमेंट में जाके इसरो कांड डेवलप ये सब नहीं है, फालतूगिरी नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन मैं एंड में दूंगा, पर पहले हम सूट के बारे में समझते हैं। एज यूजुअल आपको मेरे इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज और जो भी मैं क्लेम्स कर रहा हूँ अपने वीडियो में, वो बॉटम राइट में एक नंबर आ रहा होगा, वो नंबर से आप मैच कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। सबसे बड़ी चीज आपको ये जाननी होगी कि एक IVA सूट है, मतलब इंट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी सूट, मतलब कैप्सूल जो है गगनयान कैप्सूल अपना जो स्पेस में होगा एस्ट्रोनॉट्स को लेके, उसके अंदर ही वो यूज कर सकते हैं। ये पहन के ना वो बाहर जाएगा जा सकते हैं क्योंकि वो रेटेड ही नहीं है, और ना इसरो का प्लान है स्पेस वॉक करने का एज ऑफ नाउ ऑफिशियल, तो ह्यूमनॉट्स अंदर अपने एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। ये सेम चीज स्पेसएक्स के सूट को भी अप्लाई होती है, वो भी एक IVA सूट है, वो बस कैप्सूल के अंदर चल सकते हैं उसके करंट फॉर्म में। नासा वगैरह बाहर जो इस्तेमाल करते हैं वो एक EVA सूट है, यानी एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी सूट, उसमें आपने देखा होगा उनका बड़ा पीछे कुछ होता है जो कंट्रोल करता है थ्रस्टर्स वगैरह। हमारा और स्पेसएक्स के सूट में ये डंब है, वो खुद कुछ नहीं ज्यादा कर सकते, वो कैप्सूल को बंधे रहते हैं और फिर वो प्रॉपर फंक्शनल होते हैं, तो वो खुद में कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। और मुझे पता है अभी वॉर स्टार्ट होगा कमेंट में कि स्पेसएक्स का सूट ज्यादा फैशनेबल कूल है, जो अंडरस्टैंडेबल है, पर याद रखो फंक्शनैलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम करनी चाहिए वो चीज। ऑब्वियसली मैं भी चाहूंगा कि इसरो बेटर दिखने वाला सूट बनाए, पर अब इसरो तो बना रही रहा, एटलीस्ट कलर तो चेंज करते, उनके वाला सेम कलर क्यों लेना, प्रीवियसली ऑरेंज हुआ करता था याद है, अभी इसका व्हाइट कर दिया, पता नहीं शायद एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा। अभी आते हैं स्पेस सूट के ऊपर। ऊपर से नीचे जाएंगे आप देख सकते हो उनका हेलमेट जो है वो पूरा ओपन होता है, क्योंकि उसका क्लॉथ बैक है, मतलब आप पूरा अपना हेड ऊपर करके ऊपर देख सकते हो रॉकेट के पास, अगर आप रॉकेट पे चढ़ रहे हो और नीचे हो। ये चीज स्पेसएक्स के सूट में नहीं हो सकती, क्योंकि उनके केस में हेलमेट हार्ड बैक है और उनका आगे का जो वाइजर है वही खुलता है, तो आपने इसलिए देखा होगा कभी कभी उनके एस्ट्रोनॉट्स एक वियर्ड पोज लेकर रॉकेट की तरफ इंस्पेक्शन करते हैं, जो अजीब है। और स्पेसएक्स के सूट की तरह ही ये सूट भी कस्टम मेड होगा एस्ट्रोनॉट के लिए, मतलब इसरो ऐसे 10 सूट बना के रियूज नहीं करेगा, हर व्योमानॉट को अपना कस्टम मेड एस्ट्रोनॉट सूट मिलेगा जो उसके हाइट डायमेंशन वगैरह एक्जैक्टली मैच करता है, ताकि वो कंफर्टेबल हो। अब एक और चीज हेलमेट के आसपास नहीं दिख रही है, वो एक वेंटिलेशन होल्स, ये एक डेमो यूनिट है लोगों को पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने, इसलिए पूरा 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 सब पार्ट्स नहीं डाले इसमें। और एक और चीज मिसिंग है हेड के अराउंड, वो एक हेडफोन माइक कनेक्शन, आपने देखा होगा रशिया के एस्ट्रोनॉट्स ऊपर से एक हेडफोन पहनते हैं ब्लैक कलर, जिसको साइड में माइक होता है कम्युनिकेट करने के लिए, वो होगा उसका कनेक्टर वगैरह होगा। अब जैसे हम और नीचे आए तो हमें जिप्स वगैरह दिखने लगते हैं, ये इसलिए क्योंकि नीचे का पार्ट जो है और ऊपर का पार्ट सेपरेटली पहना जाता है, और वो पहनने से पहले वो एक टाइट कॉटन क्लॉथ भी पहनते हैं, ये सब के डायग्राम्स में बाद में दिखाऊंगा। अब बीच में देख सकते हो इतना बड़ा नॉब जैसा कुछ तो है ब्लू कलर, ये क्या है, ये एक प्रेशर रेगुलेटर है स्पेशली ओवर प्रेशर के लिए, अगर सूट ओवर प्रेशराइज हो रहा है, ज्यादा हवा आ रही है उसके अंदर, तो ये प्रेशर रेगुलेटर वो हवा रिलीज करेगी। इसके ऊपर मल्टीपल सेटिंग्स वगैरह है जो एडजस्ट कर सकते हैं क्या प्रेशर चाहिए उसके हिसाब से। बट ये प्रेशर आएगा कहां से, आपने नीचे देखा होगा एक राउंड नॉब जैसा जिसमें से पाइप्स निकल रहा है, यहां से वेंटिलेशन के हवा आती है, ये जो है वो इंटरनली मेन पाइप से आता है और इंटरनली मल्टीपल पाइप्स है जो पाव के पास सिर के पास वगैरह सब हवा लेके जाती है, और ये पाइप जो है वो इमरजेंसी मोड में ऑक्सीजन सप्लाई मोड में चला जाएगा, मतलब ज्यादा मेजोरिटी ऑक्सीजन। वैसे कभी कभी आप देखोगे तो रशिया के जो एस्ट्रोनॉट्स है वो एक्सटर्नल एक बॉक्स लेके जाते हैं, क्योंकि इस पूरे सूट के साथ एक एक्सटर्नल पोर्टेबल वेंटिलेटर टाइप डिवाइस भी आती है जो आप कनेक्ट करके हाथ में लेके घूम सकते हो आपके सूट को वेंटिलेटेड रखने के लिए। पर आप देख सकते हो यहाँ पे 2 है, और अगर आप रशिया के सोकोल KV2 सूट्स देखोगे तो बस एक ही होता है राइट या इमेज के राइट और हमारे लेफ्ट साइड में। अब इसके 2 रीजंस हो सकते हैं, एक तो ऑब्वियसली कस्टम रिक्वायरमेंट गगनयान का, शायद कैप्सूल का जो सिस्टम है वो अलग है और उन्हें 2 रिक्वायरमेंट है दोनों साइड पे, या तो अगर आप क्लोजली देखो तो इस सूट के ऊपर श्योर सेफ्टी का नाम है। श्योर सेफ्टी एक इंडियन कंपनी है जिन्होंने अप्लाई किया था इस टेंडर प्रोसेस में सूट के लिए। अब हमें नहीं पता कि श्योर सेफ्टी का वो रशियन कंपनी से कोई लिंक है और वो लाइसेंस किए ये या और इंडिया में बनाने वाले हैं, हमें नहीं पता, तो शायद इनके थ्रू कुछ गलतियां वगैरह मुझे नहीं पता, पर ये देखने लायक होगा कि ये श्योर सेफ्टी और इंडिया का लिंक क्या है रशिया से, क्या वो ऑफिशियली लाइसेंस्ड है, क्या ऑफिशियली मेंटेन वगैरह करते, देखना होगा। उसके ऊपर एक कनेक्टर मिस हो गया, वो आपने देखा होगा, वो इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स है
सेंसर्स के लिए हेडफोन कम्युनिकेशन सब उसके थ्रू इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स जाएगा, वो कनेक्टर आपको बाद में दिखाऊंगा मैं। राइट में आओगे यानी एस्ट्रोनॉट का लेफ्ट हैंड, उसके ऊपर आपने देखा होगा एक सिलेंडर टाइप कुछ नॉब रेगुलेटर टाइप है, वो एक ओवर प्रेशर इंडिकेटर है। सपोज उनका जो मेन ऊपर का नॉब है ओवर प्रेशर का रिलीफ वाल्व वो फेल हो गया, तो एस्ट्रोनॉट को कोई तो वे चाहिए ये जानने का। तो सेंट्रल रेगुलेटर फेल हो गया तो यहाँ से पता तो चल सकता है उन्हें कि कुछ हो रहा है। उसके साइड में आपको एक मिरर दिखेगा, क्योंकि ज्यादा मोबिलिटी नहीं है और अगर आपका सूट चेक करना है, स्पेशली हेलमेट के जो लैचेस है ढंग से लगे कि नहीं वो चेक करना है, तो आप ये मिरर इस्तेमाल करके चेक कर सकते हो। याद रखो यूजुअली क्या होता है, ये जब कैप्सूल ऊपर जाएगा स्पेस में तो एस्ट्रोनॉट्स सब स्टेबिलाईज होने का तो अपने सूट्स निकाल देते हैं और वो कुछ कंफर्टेबल पहनते हैं। आपने स्पेसएक्स का वगैरह देखा होगा, वो स्पेस में सूट नहीं पहनते तो वापस भी पहनना होगा राइट, वापस नीचे आते वक्त। तो ये सब चेक्स ऊपर लगेगा करने को, उन्हें नीचे तो काफी इंसान होंगे चेक करने, ऊपर तो कम होंगे। बाद में आपको ग्लव्स भी दिखते हैं, ये ग्लव्स डिटैचेबल है रिंग लॉक के थ्रू सेपरेटली और उसके सेपरेट अंदर के कॉटन ग्लव्स हैं। बाद में आपको बूट्स भी दिखेंगे जो सेपरेटली पहने जाते हैं और अंदर से सील होते हैं। अब ये पूरा सूट मैंने पढ़ा है कि सोयूज में 50 घंटे तक जिंदा रख सकता है अगर इमरजेंसी आती है, सपोज कैप्सूल ने प्रेशर खो लिया सडनली और ये लोग सूट्स पहन लिए और अभी वो कैप्सूल जो है उसे प्रोवाइड कर रहा है हवा, तो सोयूज के केस में वो 50 घंटे तक जिंदा रख सकते हैं बस सूट में। पर मुझे नहीं पता रशियन ट्रांसलेशन पे कुछ इशू हो सकता है और गगनयान के केस में सिस्टम अलग होगा तो वो उस केस में रेटिंग शायद अलग होगा जिंदा रखने का डीप्रेशराइजेशन इवेंट में। और जो मैं बोल रहा था ना वो पहने कैसे जाते हैं, ये वो डायग्राम्स आपके स्क्रीन के ऊपर है, तब तक मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हम रशियन सूट्स क्यों ले रहे हैं, एटलीस्ट मेरा एक्सप्लेनेशन मेरा अंडरस्टैंड। पहली चीज तो ये प्रूवन है, प्रूवन ये काम कर चुका है स्पेस में स्पेस कैप्सूल्स में और ये जैसे डिजाइन है वैसे काम करता है, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों को लगा उसमें क्या बड़ी बात है, नहीं, अगर आपका पार्ट जो है वो स्पेस प्रूवन है उसकी वैल्यू डबल ट्रिपल हो जाती है, क्योंकि एक लेस थिंग है आपके पास वरी करने के लिए। पहले गगनयान में हजारों चीजें होते हैं जो फेल नहीं हो सकते, अगर एक चीज कम है तो क्यों नहीं। सेकेंडली आपको समझना होगा इसरो का कैपेसिटी लिमिटेड है, ऑफकोर्स अच्छा होता अगर वो खुद का सूट बनाते हैं, पर वो हर चीज खुद का बनाते नहीं बैठ सकते। इसरो के व्हीकल्स ऑलरेडी मेजोरिटी इंडियन पार्ट से इस्तेमाल करते हैं, अबाव 80%। पर आपको याद रखना होगा कि हर चीज खुद बनाते रह गए तो पूरा प्रोग्राम ही डिले हो जाएगा। और सेकेंडली इसरो के पास टैलेंट का भी इशू है राइट, देखो उनका उनका बजट डबल ट्रिपल क्वाड्रपल कर दो पर टैलेंट पूल तो लिमिटेड है ना, आप कितने सीनियर साइंटिस्ट वगैरह वो सब लिमिटेड है ना। गगनयान के वगैरह हजारों चीजें उन्हें काम करने के लिए, सब कुछ नहीं करते बैठ सकते वो। अब आप बोलोगे कि और लोग हायर कर दो, अगर आप कंपनी में कॉर्पोरेट में टीम्स में काम कर चुके हो तो आपको पता है जब कोई नया पर्सन ज्वाइन करता है उसे कितना टाइम लगता है नॉर्मलाइज होने के लिए दूसरों के साथ, स्पेशली अगर वो नया फ्रेशर वगैरह हो तो उसे सीनियर के क्लोज आने के लिए कितने साल चले जाएंगे, तो ये सब इजी नहीं है। और हमने देखे ओल्ड पिक्स इसरो का जहां वो स्पेस सूट डेवलपमेंट कर रहे हैं, शायद ये पैरेलल डेवलपमेंट चल रहा है और फ्यूचर में हमें खुद के सूट्स मिलेंगे। अभी वो पिक्चर्स का मेरे को सोर्स नहीं मिल रहा है, शायद मिल गया तो वीडियो में दिख जाएगा आपको और डिस्क्रिप्शन में भी। पॉइंट इज कभी तो स्टार्ट करना है एंड हर चीज नहीं बना सकते हम, एक रेशो होता है इंडिजनाइजेशन वर्सेस इंपोर्ट का, वो अच्छे से मेंटेन रहा तो ठीक। ऑफकोर्स मैं अपने मेंबर्स को थैंक करना चाहूंगा जिन्होंने इसके रिसर्च में हेल्प किया, ये रशियन माल निकालने बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो अपने लैंग्वेज में कॉन्वर्स करते हैं, तो स्पेशल थैंक्स टू अंशुमन एंड नील भैया। अगर आप भी हेल्प करना चाहते हो मेरे को रिसर्च में वगैरह, आप मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, जिसे ज्वाइन करने के लिए आपको मेंबर बनना होगा ज्वाइन बटन दबा के, या आपको यूपीआई इस्तेमाल करना है तो बाय मी अ कॉफी का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, बस 29 से स्टार्ट होता है, बाय मी अ कॉफी पे और भी सस्ता है ईयरली लिया तो। देखो मैं मोस्टली स्पॉन्सर्स नहीं लेता हूं, बस दो ही लिए अब तक इस 6 साल में, लास्ट 6 ईयर्स में मेरा मोस्टली मेंबर फंडेड ही चैनल चलता है। तो बस ज्ञान की गरिमा सबसे बड़ी, जय हिंद जय भारत। स्पेशल थैंक्स टू मनोहरन, कार्तिकेय देवाल, जयम शर्मा, वुटल चैतन्य, रोहित सुवर्णा, नारायण प्रसाद, प्रदीप मोहनदास, आकाश पाटिल, अमित नंबियार, तन्मय देशपांडे, निशंत कुमार, विशाल बारोत, हाइड्रेटिंग, कृपल पटेल और रजत देशपांडे।